राम राम। राजस्थान के बारा जिले के छबड़ा कस्बे में आज कुछ असामाजिक तत्वों ने, देश के दुश्मनों ने पूरे बाजार में आग लगा दी। गिन गिन के हिंदुओं को मारा है, कोई कारण नहीं था, कोई हिंदुओं ने अपराध नहीं किया था, केवल गुर्जरों की और दो मुसलमान बच्चों की मोटरसाइकिल अड़ गई होगी। मुसलमानों के छोरों ने जो गुजर थे उनके ऊपर चाकू से हमला कर दिया। पुलिस ने FIR दर्ज कराने के बाद कुछ चाकूबाजों को पकड़ा, कुछ को नहीं पकड़ा। इसका आक्रोश तो गुजरों में था ही, स्वाभाविक था। सुबह को प्रशासन को ज्ञापन देने की तैयारी कर रहे थे और ज्ञापन देकर वे चाह रहे थे कि जो असली हमलावर है, चाकूबाज है, उसको भी पकड़ा जाए। इतने में छबड़ा के सारे मुसलमानों ने, गुंडे, हिस्ट्री चीटर, बदमाश, सबने इकट्ठे होकर के जहां भी हिंदू मिला उसको पीटना चालू किया, उसको ठोकना चालू किया। जहां हिंदुओं की दुकानें मिली उनको आग लगाना चालू किया। करोड़ों रुपए का नुकसान छबड़ा भी कर दिया है, दर्जनों लोगों के साथ मारपीट की है। मित्रों, ये कोई घटना अकस्मात हो गई हो ऐसा नहीं है, ये कई दिनों से योजना पूर्वक तैयारी कर रहे होंगे कि कब हिंदुओं पर हमला करना है। और ये इसमें सफल हो गए क्योंकि ये हमला सुबह से लेकर 5 बजे तक चलता रहा। ये प्रशासन और सरकार जब तक अधिकांश दुकानें नहीं जल गई, जहां तक फोर्स नहीं पहुंचा पाई। कैसी सरकार की योजना थी कि हिंदुओं को किस प्रकार से पिटवाया गया, मेरी समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों किया गया। एक तरफ तो सुकेत में 40-40 मुसलमान एक अनुसूचित जाति की बेटी के साथ 9 दिन तक बलात्कार करते हैं और सरकार उनको बचाने के लिए खड़ी हो जाती है और कुछ गुंडों को पकड़ती नहीं है, जो इस प्रकार से कह रहे हैं कि मैं इसको अदालत नहीं जाने दूंगा और अदालत चले जाएगी तो ब्यार बदलना पड़ेगा, नहीं तो इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर भी उनको पकड़ नहीं रही है, अभी भी कई बलात्कारी घूम रहे हैं, लेकिन सरकार ने उनको छूट दी है, पुलिस को डांटा है। इसी प्रकार से अब छबड़ा में भी उन हमलावरों को, आगजनी करने वालों को, आग लगाने वालों को बचाने का प्रयत्न चलेगा। मेरी मांग है सरकार से, जितनी संपत्ति जली है सब जलाने वालों से वसूल की जाए, एक एक पाई, इनके घर बेच के, इनके सामान बेच के, इनको जेल में भेज के, किसी भी इनसे वो सारी की सारी संपत्ति की वसूली होना ही चाहिए। ऐसी